वेलकम बच्चों, मैं श्रीमती रीना खुबरागड़े शाहजीनगर मनपा हिंदी माध्यमिक शाला ट्रॉम्बे की तरफ से आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम पर्यावरणीय व्यवस्थापन है, तो इसमें हम समझ ही चुके हैं कि हमारे पर्यावरण के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पर्यावरण यानी क्या? पर्यावरण यानी परिसरण, यानी पर्यावरण यानी हमारे आजू बाजू का पर्यावरण जो है, जिसमें जिसमें हवाओं का आवरण है, यानी हमारे आजू बाजू में परिसर में जो कुछ भी है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे आजू बाजू में क्या क्या होते हैं? हमारे आजू बाजू में जैविक घटक होते हैं या अजैविक घटक होते हैं, जैसे कि वनस्पति है, सजीव है। अभी अगर आप अभी जहां पे बैठे हैं, आपकी आजू बाजू में चेयर होगी, बेड होगा, कपड़े होंगे, चप्पल होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, घर में कुछ पेट होंगे, यानी सूक्ष्म जीव भी होंगे, हवा है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, ये सभी क्या है? अजैविक घटक है और जैविक घटक है। किसी भी वातावरण में, पर्यावरण में विद्यमान जैविक घटक और अजैविक घटक और इनमें होने वाले पारस्परिक संबंधों का कारण ही परिसंस्था बनती है। जैसे आपके बाजू में स्क्रीन पर एक ये दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है, देखिए एक जलीय परिसंस्था दिखाई गई है, जहाँ पे पानी है, पानी के अंदर, पानी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, मछलियां है, पानी के बाजू में लैंड है, जमीन है, जमीन पर बड़े बड़े प्राणी हैं, हवा में पक्षी उड़ रहे हैं, यानी वहां पे मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये सभी अजैविक घटक है। और जो शेर, चील, वनस्पति, ये सब जो दिख रहे हैं, ये जैविक घटक है। और जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं, इनके बीच में एक अंतर्क्रिया होती है, ये अंतर्क्रिया, इनके बीच में एक संबंध होता है, अंतर्क्रिया होती रहती है, इसके वजह से ही जो आपस में साथ में मिलते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, इनसे मिलकर ही एक परिसंस्था बनती है। अगर उदाहरण देखा जाए तो हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी परिसंस्था है। पृथ्वी पर हम जिस बारे में जैविक घटक और अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, ये सारे जैविक और अजैविक घटक कहाँ पे हैं? पृथ्वी पर है। तो ये एक बहुत बड़ी परिसंस्था है। और देखा जाए तो छोटा सा बारिश में जमीन पर छोटा सा थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है, तो वो छोटा सा पानी का जो पॉन्ड है वह भी एक परिसंस्था ही है, क्योंकि उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीव रहेंगे, उसमें भी मिट्टी पत्थर रहेंगे, उसमें भी कुछ जैविक घटक और कुछ अजैविक घटक रहेंगे। तो ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर और इनमें होने वाली परस्पर जो संबंध है, ये एक दूसरे के एक साथ रहते हैं, किसी कारणवश एक साथ रहते हैं और इसी के मिलकर एक परिसंस्था बनती है। तो परिसंस्था अभी समझ में आया, किसी भी वातावरण में, पर्यावरण वातावरण में या पर्यावरण में विद्यमान जैविक घटक या अजैविक घटक और इनमें होने वाले पारस्परिक संबंधों के कारण परिसंस्था बनती है। परिसंस्था के घटक कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या क्या आता है? हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, नमी इत्यादि। और जैविक घटक में सभी प्रकार के सजीव, उदाहरण के लिए जीवाणु, कवक, वनस्पति, प्राणी, ये सभी आते हैं जैविक घटक में। अब जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर होने वाले अंतर्क्रिया से ही परिसंस्था बनती है। प्रत्येक घटक की परिसंस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यहां से प्रत्येक घटक एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होता है। जैसे आपके स्क्रीन
वनस्पति क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं और सूर्य प्रकाश को भोजन में कन्वर्ट करते हैं। यानी वनस्पति को हम स्वयंपोषी कहते हैं क्योंकि वह भोजन बनाते हैं। बाकी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हो या बड़े बड़े प्राणी हो, इंक्लूडिंग अस, कोई भी स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग तो सिर्फ उस भोजन को टेस्टी बना के या पका के खाते हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश को रासायनिक पदार्थ में कन्वर्ट करना, रासायनिक भोजन में कन्वर्ट करने का कार्य सिर्फ उत्पादक यानी कि वनस्पति करते हैं। उन वनस्पतियों को खाने वाले कौन? सारे शाकाहारी प्राणी, हिरण, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, ये जो सारे क्या है, ये सारे शाकाहारी प्राणी है, ये उत्पादक को खाते हैं। फिर उत्पादक को कौन फिर इन शाकाहारी प्राणियों को कौन खाता है? शेर है, टाइगर है, ये सभी इनको खाते हैं। हमें भी लगता होगा ये इनको क्यों खाते हैं, ये नहीं होते तो कितना अच्छा होता, ये सारे प्राणियों को खा रहे, ऐसा कभी आपके मन में विचार आया होगा, राइट? लेकिन वह भी इस पृथ्वी के बहुत बड़े घटक है। सोचिए अगर शेर या बाघ नहीं होते तो जो शाकाहारी प्राणी है उनकी संख्या कितनी होती? तो उनको नियंत्रण रखने के लिए इन बाघ और शेर की आवश्यकता होती है। तो ये जो हिरण, भेड़, बकरिया, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े जो होते हैं, ये सारे शाकाहारी प्राणी इन वनस्पतियों को खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले विघटक, जीवाणु, दीमक, गोबर के कीड़े इत्यादि प्रकृति के साफ सफाई सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी आपने सोचा, आप जंगल में कभी सैर करने गए होंगे तो जंगल में आपने देखा होगा, जंगल में कितने सारे प्राणी मरते हैं हर दिन, कितने प्राणी मरते होंगे, वनस्पति टूटकर गिरते होंगे, तो क्या वो वैसे ही रहेंगे? तो कितना कचरा होगा जंगल में, बराबर? लेकिन कभी आपने जंगल की सवारी की होंगी तो सफारी की होंगी तो आपको कभी भी जंगल में कचरा नहीं दिखा होगा, जंगल हमेशा साफ सुथरा रहता है। तो उसको कौन साफ सुथरा करते हैं? ये जो दीमक है, जीवाणु है, कीड़े है, कीड़े मकोड़े जो है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ये उनका विघटन करते हैं। जितने भी प्राकृतिक घटक होते हैं, सजीव होते हैं, इनको मरने के बाद इनका विघटन करते हैं और इसलिए इनको हम सफाई कर्मी कहते हैं। इन घटकों के कारण ही मानव का अस्तित्व बना हुआ है। इस कारण प्रत्येक परितंत्र या परिसंस्था में सभी घटकों का उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए बाघ और सिंह जैसे मांसाहारी प्राणी भी कार्य करते हैं। यानी परिसंस्था के एक परिसंस्था में उत्पादक होते हैं, उनको खाने वाले शाकाहारी प्राणी है, उनको खाने वाले मांसाहारी प्राणी है, और उनका विघटन करने के लिए छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जीवाणु भी कार्य करते हैं। और इस तरीके से हमारी पृथ्वी या हमारा पर्यावरण जो है वो संतुलित रखा जाता है। यानी एक परिसंस्था में जितने भी घटक होते हैं, हर एक घटक अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी देखते हैं हम भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला क्या है? हम पांचवी छठी से पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन श्रृंखला क्या होता है। आपको पता है छोटे छोटे उत्पादक यानी वनस्पति। वनस्पति को देखिए, आपके एग्जाम्पल में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो वनस्पति है उसको खा रही है, जो पानी में छोटी छोटी वनस्पतियां होती है काई जैसे या उससे भी कुछ, तो उनको खाती है छोटी मछलियां, उन या छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, फिर उनको खाती है बड़ी मछली, और बड़ी मछली को खाने वाले भी कुछ पक्षी होते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले उत्पादक को कोई और एक खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, और उसको कोई और खा रहा है। साइड में देखिए, उसके नीचे वनस्पति है उत्पादक, यानी मान लीजिएगा कि ये धान की खेती है या चावल है, तो वनस्पति है, उसको खाता है चूहा, चूहे को खाता है सांप, और सांप को खाता है चील, राइट? तो जो वनस्पति होते हैं वो भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको हम उत्पादक कहते हैं। और उसको खाने वाला चूहा प्राथमिक भक्षक, उसको खाने वाला सांप द्वितीय भक्षक, और उसको खाने वाला चील तृतीय भक्षक हो गया, राइट? तो कभी कभी तृतीय भक्षक ही सर्वोच्च भक्षक होता है, कभी कभी उसको खाने वाला भी चतुर्थ भक्षक होता है जो सर्वोच्च भक्षक होता है। साइड की आकृति में देखिए, वनस्पति जो है उत्पादक, उत्पादक को जो है टिड्डे खा रहे, तो टिड्डे हो गए प्राथमिक भक्षक। फिर टिड्डों को कौन खा रहा है? मेंढक, तो मेंढक क्या हो गए? द्वितीय भक्षक। मेंढक को कौन खा रहा है? सांप, तो सांप हो गया तृतीय भक्षक। और उसको कौन खा रहा है? चील, दैट इज सर्वोच्च भक्षक। उसको कोई नहीं खाता है, उसको मरने के बाद उसका क्या हो जाएगा? विघटन होगा, और विघटन के लिए विघटक कार्य करते हैं। विघटक यानी जैसे कुछ सूक्ष्म जीव, कवक वगैरह, ये सब उनका विघटन करते हैं। तो यहाँ से ये जो परिसंस्था है, परिसंस्था में ये जो हमने भोजन श्रृंखला देखी है, यहाँ पे हर एक सजीव अपना अपना एक कार्य करता है। तो भोजन श्रृंखला में ये जो हम देख रहे हैं, ये है पहला जो होता है उत्पादक, और उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक
भक्षक, प्राथमिक भक्षक को खाने वाला द्वितीय भक्षक, द्वितीय भक्षक को खाने वाला तृतीय भक्षक, और तृतीय भक्षक को खाने वाला सर्वोच्च भक्षक। और ये है उपभोक्ताओं के प्रकार। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी उपभोक्ताओं के प्रकार लिखिए, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो आकृति है ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, ये आकृति दी रहेगी और बोला जाएगा कि उनके नाम और उनके उपभोक्ता के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है वनस्पति, लिखना है वनस्पति के सामने आपको लिखना है उत्पादक, फिर प्राथमिक, फिर टिड्डे के सामने आपको नाम लिखना है उसका टिड्डा, और टिड्डे को लिखना है प्राथमिक भक्षक। आपको आकृति नहीं बनानी है, आपको सिर्फ इतना लिखना है टिड्डा, टिड्डा प्राथमिक भक्षक, मेंढक द्वितीय भक्षक, सांप तृतीय भक्षक, और जो चील है वह है सर्वोच्च भक्षक, और फिर आता है विघटक। तो ये जो एक लाइन में जा रहा है राइट, ये एक श्रृंखला, एक चैन बना रहा है कि ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये एक चैन बना रहे। तो इस चैन को, इस श्रृंखला को ही हम कहते हैं भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला की परिभाषा देखिए, प्रत्येक परितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता यानी कि भक्षक तथा अपघटक, इनमें हमेशा ही अंतरक्रिया होती रहती है। इस अंतरक्रिया के क्रम को भोजन श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि क्रम से आ रहा है, कोई बीच में नहीं आ रहा है, कोई किधर भी नहीं आ रहा है। पहले उत्पादक, फिर उसको खाएगा प्राथमिक भक्षक, फिर द्वितीय भक्षक, फिर तृतीय भक्षक और सर्वोच्च भक्षक और विघटक। तो ये एक चैन हो रही है, एक श्रृंखला हो रही है, क्रम से हो रहा है, इस क्रम को ही हम भोजन श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे एक सुविचार लिखा है देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इस सुविचार को या इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या लिखा है देखिए, जीवो जीवस्य जीवनम, कभी आपने सुविचार में भी सुना होगा जीवो जीवस्य जीवनम, ये संस्कृत में लिखा हुआ एक सेंटेंस है, एक विधान है। इसका मतलब है जीव ही जीवो का जीवन है, जीव ही जीवो का जीवन है, मतलब एक सजीव के लिए दूसरा सजीव ही उसका जीवन है, क्योंकि प्रत्येक सजीव जीवन व्यापन करने के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर है, वो उसी को खा रहा है। हम भी, हम अगर शाकाहारी है या मांसाहारी है, हम इवन वनस्पति भी खा रहे हैं, यानी रोज दाल चावल भी खा रहे हैं, तो हम सजीवों को ही खा रहे हैं ना, बायोटिक जैविक घटक है ना वो, तो उसको ही खा रहे हैं, यानी हम दूसरे सजीव पर निर्भर है। तो यही अर्थ होता है कि जीवो जीवस्य जीवनम, अर्थात जीव ही जीव का जीवन है। अब देखते हैं भोजन जाल। अभी हमने जैसे कि देखा कि चूहे को सांप खाता है, सांप को चील खा रहा है, बराबर है। लेकिन आप देखिए, सांप तो मेंढक को भी खा रहा है, दिख रहा है, और मेंढक को टिड्डा, मेंढक तो टिड्डे को खा रहा है, और टिड्डा उत्पादक को खा रहा है, लेकिन उत्पादक को तो चूहा भी खाता है, लेकिन उत्पादक को तो छोटी मछली भी खा रही है। यानी एक सजीव के ऊपर या एक जीव के ऊपर अनेक जीव निर्माण निर्भर है। एक पोषण स्तर के ऊपर, एक प्राथमिक भक्षक को खाने वाले बहुत सारे द्वितीय भक्षक है, या द्वितीय भक्षक को खाने वाले बहुत सारे तृतीय भक्षक है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए मेंढक जो है वह इल्लिया खा रहा है और मेंढक को सांप खा रहा है, लेकिन सांप तो चूहा भी खा रहा है और सांप को बिल्ली, सॉरी चूहे को बिल्ली खाती है, लेकिन चूहे को तो सांप भी खा रहा है। ऐसा अगर हम एक दूसरे को जोड़ते जाए कौन किसको खा रहा है, तो क्रम में दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं भोजन श्रृंखला, फूड चेन। लेकिन अगर एक प्राथमिक भक्षक को खाने वाले द्वितीय भक्षक अनेक है, या उन द्वितीय भक्षक को खाने वाले तृतीय भक्षक अनेक है, उनको हम जोड़ते गए तो एक बहुत बड़ा जाल निर्माण हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं भोजन जाल। ओके बच्चों, अब देखिए ये हमें इतना समझ में आ गया भोजन जाल क्या क्या है। तो यहां से आने वाला, इस चैप्टर से आने वाला पहला प्रश्न मैंने अभी आपको बताई कि ये जो है फूड चेन देता है आपको, ये जो आकृति है प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, ये आकृति आती है और उसको बोला जाता है कि इनके जो उपभोक्ता या भक्षक है उनके नाम लिखिए, यानी आपको लिखना है कौन उत्पादक है, कौन प्राथमिक भक्षक है, कौन द्वितीय भक्षक है, कौन तृतीय है, कौन सर्वोच्च भक्षक है, ये आपको लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। आप जरा स्क्रीन को अच्छे से देखिए, स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्चर दिखाए गए। पहले में है, आपको दिख रहा है धान की खेती दिख रही है, दैट इज चावल की खेती, चावल के, धान के ऊपर, चावल के ऊपर कौन है, टिड्डे है, और उन टिड्डों को कौन खा रहे हैं, मेंढक, और मेंढक को खाते हैं सांप, ठीक है। ये आपको एक फूड चेन भोजन श्रृंखला दी जाएगी क्वेश्चन में, कि चावल की खेती को खाते हैं टिड्डे, टिड्डे को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाते हैं सांप, सांप को खाता है चील, और चील का हो जाता है विघटन, ठीक है। ये एक भोजन श्रृंखला आपके क्वेश्चन में दी जाती है, और फिर क्वेश्चन आता है उसके बाद। ये 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन क्रमशः 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए इनमें से जो चावल की खेती है उत्पादक हो गई, टिड्डे हो गए प्राथमिक भक्षक और मेंढक हो गए द्वितीय भक्षक और सांप हो गया तृतीय भक्षक। क्वेश्चन आता है मेंढक कौन सा उपभोक्ता है, तो मेंढक जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है यानी द्वितीय भक्षक है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कि अगर मेंढकों की संख्या अचानक घट गई तो क्या होगा, तो उसका फसल पर यानी कि चावल के खेती पर क्या परिणाम होगा, और जो कि ये द्वितीय भक्षक है तो तृतीय भक्षक और चतुर्थ भक्षक पर इसका क्या परिणाम होगा, ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला, अगर द्वितीय भक्षक यानी मेंढक की संख्या ज्यादा हो गई, मेंढक की संख्या सॉरी कम हो गई, मेंढक की संख्या अगर कम हो गई तो क्या होंगे, टिड्डों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि खाने वाले कम है तो भोजन बच जाएगा, यानी टिड्डों को खाने वाले मेंढक है तो टिड्डे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और टिड्डे ज्यादा हो गए तो धान की फसल खराब कर देंगे यानी किसानों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मेंढक उतने ही इस प्रकृति में भी उतने ही आवश्यक है, यानी यहां में हमारे परिसंस्था में प्रत्येक घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मेंढक कम हो गए तो सांप भी कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सांप का खाना क्या है, मेंढक है, सांप का खाना मेंढक है, और मेंढक ही कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सांप कम हो जाएंगे, और सांप कम हो गए तो चील भी कम हो जाएंगे क्योंकि चील का खाना सांप है, बराबर। तो इस तरीके से तृतीय भक्षक और तृतीय चतुर्थ यानी कि सर्वोच्च भक्षक इनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कि अगर मेंढक की संख्या कम हो गई तो फसलों पर क्या परिणाम होगा, तो टिड्डों की संख्या बढ़ने की वजह से फसल का नुकसान हो जाएगा, और जो कि मेंढक की संख्या कम हो गई तो भक्षक की द्वितीय भक्षक की संख्या कम होने की वजह से तृतीय भक्षक और सर्वोच्च भक्षक का भोजन कम हो जाएगा और इसलिए उनकी भी संख्या कम हो जाएगी। देखिए एक घटक अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर के द्वितीय भक्षक अगर कम हो गए तो तृतीय और सर्वोच्च भक्षक ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए जिस तरीके से हमने अभी देखा कि जिस तरीके से एक स्तर या एक उपभोक्ता कम हो गया तो उस पर क्या उसका क्या परिणाम होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या होगा। यदि अगर किसी भक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई तो भक्षकों की संख्या में लगातार कमी हो जाएंगी और इस कारण भोजन न मिलने के कारण भक्षकों की संख्या में भी कमी हो जाएगी, यानी भक्षकों की संख्या बढ़ना भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और भक्षकों की संख्या कम होना भी पर्यावरण में नुकसानदायी साबित होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग भोजन श्रृंखला के विविध पोषण स्तर। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है कि क्या है भोजन श्रृंखला में विविध स्तर कौन से है, तो जो कि हमने देखा उत्पादक होता है, उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक भक्षक, प्राथमिक भक्षक को खाने वाला द्वितीय भक्षक, द्वितीय भक्षक को खाने वाला तृतीय भक्षक और उसको खाने वाला सर्वोच्च भक्षक। तो उत्पादक जो होता है एक ऊर्जा पिरामिड में प्रथम पोषण स्तर होता है, उसको खाने वाला प्राथमिक भक्षक, या द्वितीय पोषण स्तर होता है उसको खाने वाला द्वितीय भक्षक, या तृतीय पोषण स्तर होता है और उसको खाने वाला तृतीय भक्षक, यह चतुर्थ पोषण स्तर होता है। इस तरीके से ये पोषण स्तर होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और इसी से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पहला उत्पादक ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, उसको प्राथमिक भक्षक खा रहा है, तो उत्पादक की ऊर्जा प्राथमिक भक्षक में हस्तांतरित हो रही है, प्राथमिक भक्षक को द्वितीय भक्षक खा रहा है तो प्राथमिक भक्षक की ऊर्जा जो है वह द्वितीय भक्षक में स्थानांतरित हो रही है। और इस तरीके से ये जो आपकी स्क्रीन पर जो आकृति दिख रही है इसको कहते हैं ऊर्जा पिरामिड। और इसका तात्पर्य क्या है, ऊर्जा पिरामिड यानी क्या, विभिन्न पोषण स्तर के ऊर्जा स्तर को दर्शाने के लिए खींचे गए रेखा चित्र को ही ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक भोजन श्रृंखला में भोजन जाल में सजीवों के मध्य अंतरक्रिया चलती रहती है, इन सभी अंतरक्रिया में ऊर्जा हस्तांतरित होती रहती है, इस ऊर्जा का स्वरूप या परिसीमा ही ऊर्जा पिरामिड में दर्शाई जाती है। ये ऊर्जा पिरामिड यानी ये आकृति होती है जिसमें ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित हो रही है वह दर्शाई जाती है, उसी को हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। अब देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम जो कि पर्यावरण है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण यानी क्या, हमारे आजू बाजू में क्या है, सजीव है, और ये सजीव जिस स्थान पर निवास करते हैं उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। सजीव जिस स्थान पर रहता है उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को हम पर्यावरण कहते हैं।
पर्यावरण के घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण में सजीव के चारों ओर तथा आसपास के परिसर में पाए जाने वाले भौतिक घटक होते हैं, रासायनिक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। इन सभी का इसमें समावेश होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अभी हमने परिसंस्था क्यों पढ़े हैं, या अभी हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, यानी हमको पर्यावरण व्यवस्थापन करना है। तो इस परिसंस्था में और पर्यावरण में क्या संबंध है? जब तक हमें संबंध क्या है परिसंस्था में और पर्यावरण में ये नहीं समझ में आएगा, तब तक हमें हमारे मन में क्वेश्चन ही रहेगा कि हमने परिसंस्था क्यों पढ़े। हमारे चैप्टर का नाम तो पर्यावरण व्यवस्थापन है, तो वह हम क्या हमें देखना है कि क्या है। सजीवों को प्रभावित करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटकों से ही पर्यावरण निर्मित होता है। यानी पर्यावरण यानी आजू बाजू का, हम सजीवों के आजू बाजू का आवरण। ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं? भौतिक घटक होते हैं, रासायनिक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। इसमें एक चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि भौतिक घटकों में क्या आता है, रासायनिक घटकों में क्या आता है, जैविक घटकों में क्या आता है, लेकिन उसको एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है, वो आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला इस साल। ओके, पर्यावरण का अर्थ आसपास की परिस्थिति। इनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दैट इज हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव। ये हो गया प्राकृतिक वातावरण, या इसी को हम कहते हैं नैसर्गिक पर्यावरण। यानी पर्यावरण का पहला प्रकार हो गया नैसर्गिक या प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण जो इंसान ने क्रिएट किया है। तो ये दो प्रकार है पर्यावरण के। अब जो कि अभी हमने परिसंस्था पढ़े है उसमें कौन से दो घटक होते हैं, वही सेम पर्यावरण के घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। और पर्यावरण के जो जैविक घटक और अजैविक घटक है और उनके बीच में जो आंतर क्रिया या अंतर संबंध है, इन सभी का अध्ययन करने वाले ब्रांच को पारिस्थितिकी, दैट इज इकोलॉजी कहते हैं। साइंस के जिस ब्रांच में हम हमारे पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक है उनका हम अध्ययन करते हैं, उस शाखा को इकोलॉजी, दैट इज पारिस्थितिकी कहते हैं। और जो कि हमें जैविक और अजैविक घटकों का और उनके संबंधों का अध्ययन करना है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक और उनके संबंध कहाँ देखे हमने? इकोसिस्टम में, यानी परितंत्र या परिसंस्था में। और इसलिए परिस्थिति की यानी इकोलॉजी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं उसे ही हम परितंत्र या परिसंस्था कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हमारे आजू बाजू में जितना भी वातावरण या जो भी जैविक और अजैविक घटक है, इन सभी से मिलकर बनता है पर्यावरण। सजीवों के अगल आजू बाजू में जो भी जैविक और अजैविक घटक है, जितने भी है, उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण में क्या है? जैविक घटक और अजैविक घटक। और जैविक घटक और अजैविक घटक ये आपस में एक साथ रहते हैं और इनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, और इन संबंधों का जहाँ पे स्टडी किया जाता है, जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी का स्टडी करना है तो हमको जैविक घटक और अजैविक घटक का अध्ययन करना पड़ेगा। और जैविक घटक और अजैविक घटक हमने कहा देखे? परितंत्र या परिसंस्था में देखे। तो इसीलिए पारिस्थितिकी इस शाखा का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग किया जाता है वह होती है परिसंस्था। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए प्रदेशों के जैविक और अजैविक घटकों तथा उनमें होने वाले अंतर क्रिया से ही परितंत्र बनता है। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा है एक नैसर्गिक या प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा दिख रहा है मानव निर्मित पर्यावरण। हमारे प्रकृति में देखिए जैविक घटक और अजैविक घटक एक साथ मिलकर रहते हैं और इनका एक दूसरे पर परिणाम होते रहता है। हमारे पर्यावरण में सबको पता है ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, उसके बाद नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, इन सभी चक्रों का हमने अध्ययन किया है। लास्ट ईयर हमने, पिछली कक्षा में हमने इन सभी का अध्ययन किया है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सजीव लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति लेते हैं और फिर वो छोड़ते हैं, फिर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, और इस तरीके से कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, किस तरीके से कार्य करता है ये हमने पिछले बार देखा है। और इस तरीके से हमारे पृथ्वी या हमारे पर्यावरण एकदम सुव्यवस्थित चलते रहता है। इसमें कुछ भी लेकिन ये एकदम व्यवस्थित चलते रहता है और जैविक घटक और अजैविक घटक एकदम आपस में साथ में मिलकर रहते हैं और इस तरीके से पर्यावरण हमारा सुव्यवस्थित चलते रहता है। लेकिन यदि यदि इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो पर्यावरण बिगड़ जाता है।
अभी कैसे बिगड़ेगा? कुछ नेचुरल क्रियाएं होती है, भूकंप आया, सूखा हो गया, अकाल पड़ गया, जमीन भूस्खलन हो गई, बाढ़ आ गई, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं अचानक बारिश हो गई, तो ये सारे प्राकृतिक क्रियाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनके वजह से पर्यावरण को दूषित किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो पानी दूषित हो जाएगा, या अकाल आ गया उसका भी परिणाम हो जाएगा। और कुछ मानव निर्मित क्रियाकलाप होती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा कारखाने हैं या गंदा पानी, कारखानों का गंदा पानी पानी में छोड़ा जा रहा है, तो इन वजह से पानी दूषित हो रहा है, और इन सभी के वजह से पर्यावरण पर विपरीत परिणाम पड़ता है। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों के दुष्परिणामों के कारण ही अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्माण हुई है। इन समस्याओं का विपरीत प्रभाव सभी सजीवों पर होता है, और इन सभी सजीवों को सुरक्षित रखने तथा मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता निर्माण हो गई है। देखिए, हमने देखा कि परिसंस्था में एक सजीव दूसरे सजीव पर किस तरीके से निर्भर है। एक सजीव जो है वह अजैविक घटकों पर भी निर्भर है। आपने देखा होगा कि तालाब के किनारे पेड़ होता है, पेड़ पर पक्षी अपना नेस्ट बनाते हैं और उस नेस्ट पे रहते हैं, और ये जो तालाब है और ये जो पेड़ है या पक्षी है, ये एक ही इकोसिस्टम के घटक है, क्योंकि उस पक्षी को रहने के लिए पेड़ चाहिए तभी वो अपना घर वहां पे बना सकता है, और उसको पीने के लिए पानी चाहिए, कुछ कुछ पक्षियों का खाना भी उनको उस तालाब से मिलेगा, तो कोई उस पेड़ के फल फूल खाएंगे, तो ये एक साथ मिलकर रहते हैं। यानी उनको जैविक घटक भी चाहिए, अजैविक घटक भी चाहिए, वो एक साथ मिलकर रहते हैं, और ये तब तक है जब तक हमारी पृथ्वी अच्छे से कार्य कर रही है, यानी हमारा पर्यावरण एकदम अच्छा है तब तक कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन इसमें कुछ भी प्रकृति की वजह से कोई चेंजेस आते हैं, प्राकृतिक चेंजेस आते हैं या मानव निर्मित कुछ चेंजेस आते हैं, उसके वजह से सजीवों में इसके दुष्परिणाम हमको दिखाई देते हैं। और एक सजीव में अगर कुछ दुष्परिणाम हुआ तो उसकी अगले उपभोक्ता पर क्या परिणाम होता है, ये हमने अभी फूड चेन में देखा है, भोजन श्रृंखला में देखा है। एक भी उपभोक्ता पर, एक भी भक्षक या एक भी पोषण स्तर पर कुछ भी परिणाम हुआ तो उसकी अगली कड़ी ऑटोमेटिक प्रभावित होती है। और ये कब होगा? यदि कोई पर्यावरण में चेंजेस आए, दुष्प्रभाव हुए, चेंजेस अच्छे चेंजेस है तो अच्छी बात है, लेकिन कुप्रभाव हुए तो उन कुप्रभावों का बहुत बुरा परिणाम होता है, और उससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्माण होती है। पर्यावरण पर प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटक अपना अपना प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक घटक जैसे जलवायु में परिणाम परिवर्तन, खाने वाले प्राकृतिक विपदा है, प्राकृतिक विपदा है इत्यादि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं। और इस प्रकार अचानक होने वाले पर्यावरण परिवर्तन से ही पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तथा पर्यावरण की भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल में होने वाली अंतरक्रियाएं बाधित होती है। इन छोटे से चेंजेस की वजह से पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे, परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो गया, जलवायु चेंजेस हो गई, या भोजन श्रृंखला में कुछ चेंजेस हो गए, प्राकृतिक विपदाएं आ गई, तो इससे सजीवों पर या जैविक घटकों पर या अजैविक घटकों पर, दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ा तो भोजन श्रृंखला और भोजन जाल दोनों में अंतरक्रियाएं बाधित होती है। और यदि ये बाधित हुई तो प्रदूषण जैसी समस्याओं का निर्माण होता है। तो अचानक होने वाले परिवर्तन से पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तथा पर्यावरण की भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में होने वाली अंतरक्रियाएं बाधित होती है। और किसी भी वस्तु का अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है, फिर वो पानी हो, पानी को अगर दूषित किया तो पानी का प्रदूषण हो गया, अगर हवा दूषित हो गई तो हवा का दूषितीकरण हो गया, और इन सभी का सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होता है? पर्यावरण में रहने वाले सजीवों पर या जैविक घटकों पर। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों पर परिणाम होता है, लेकिन जैविक घटक जो है वो अजैविक घटकों पर ही निर्भर है, तो इनडायरेक्टली सजीवों पर यानी कि जैविक घटकों पर ही इसका बहुत बुरा परिणाम होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटना अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक
ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना। क्या देखा हमने? भौतिक और रासायनिक अथवा जैविक गुणधर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन घटित होना, इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। और ये क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है मानवीय जनसंख्या का विस्फोट। हमें पता है हमारा इंडिया जो है जनसंख्या के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। क्षेत्रफल में देखा जाए तो इंडिया सातवें क्रमांक पर आता है, यानी सातवें नंबर की बड़ी कंट्री है हमारी क्षेत्रफल के दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर। तो ये जो जनसंख्या का विस्फोट है, इसी की वजह से प्रदूषण का मेन कारण जनसंख्या का विस्फोट, फिर तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, उसके बाद शहरीकरण के लिए जंगल कटाई, अनियोजित शहरीकरण, विदाउट प्लान किया गया शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। फिर हम देखते हैं पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार कौन से हैं। हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार है। और इन प्रदूषण के वजह से इनका सीधा सीधा इफेक्ट सजीवों पर यानी जैविक घटकों पर होता है। अब ये प्रदूषण किसके वजह से हो रहा है, हमने अभी देखा शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सभी की वजह से। फिर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, जंगल कटाई हो रही है, और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि पानी, मिट्टी, जंगल या पेड़, वनस्पति, इनका इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि इसके वजह से ही प्रदूषण निर्माण हो रहा है। अब हवा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और भू प्रदूषण होता है, ये क्यों होता है, इसके घटक क्या है, इसके स्रोत क्या है और उसका क्या परिणाम है, ये सभी का जो एक चार्ट है, ये चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन उस चार्ट को एग्जाम से इवैल्यूएशन मेथड से डिलीट किया गया है, यानी इस पर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा ओवरऑल लुक देख लेते हैं कि हवा प्रदूषण किस वजह से होता है, इसके हवा प्रदूषण के स्रोत क्या है, जल प्रदूषण के स्रोत क्या है और भू प्रदूषण के स्रोत क्या है, ठीक है, इनसे क्या क्या परेशानी आती है। तो हवा प्रदूषण किसकी कहां से आता है, कारखानों से जो धुआं निकलता है, फिर गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, और वाहनों से जो हवा में टॉक्सिक गैसेस छोड़ी जाती है उसके वजह से भी प्रदूषण होता है। और इसका परिणाम क्या होता है, मोस्टली सजीवों को या प्राणियों को श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है। अगर हम थोड़ी देर भी किसी ट्रैफिक में फंस जाए तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन सी महसूस होती है, और ये कंटिन्यूअस होता रहा तो हवा का स्तर कम, हवा का जो लेवल है वो गिर जाता है और उसके वजह से हवा प्रदूषण होता है, और उस वजह से लोगों को, पब्लिक को श्वसन संबंधी बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दमा है, अस्थमा है, ऐसी बीमारियां होती है, और कई ज्यादा तो कुछ लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। फिर जल प्रदूषण किसकी वजह से होता है, तो औद्योगिक प्रदूषक यानी कि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, वो फिर रसायन या खेती से निकलने वाले गंदे पानी, ये सारे पानी, घरों से निकलने वाली गंदगी यानी कि गटर, इससे जो आने वाला पानी है वो सीधा पीने वाले पानी या नदियों में ही छोड़ा जाता है, जिसके वजह से पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है यानी कि पानी दूषित हो जाता है, दैट इज जल प्रदूषण होता है। और इसका सीधा इफेक्ट हमारे ऊपर होता है क्योंकि हम पानी पीते हैं, हम हर दिन पानी पीते हैं, हर समय पानी पीते रहते हैं, उसके वजह से हमें बहुत सारे पेट से संबंधित बीमारियां होती है, पेट से संबंधित बीमारियां यानी हैजा वगैरह, अतिसार वगैरह, जो ऐसे रोग होते हैं, और इससे ये सारी बीमारियां होती है। फिर हम लोग देखते हैं भू प्रदूषण की वजह से क्या होता है, तो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है, जमीन तपने लगती है, और इससे उन वनस्पति या फसलों की वृद्धि में कमी आती है या वृद्धि कम होने लगती है, पोषण पदार्थों में भी कमी आती है और उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। यह है प्रदूषण के साइड इफेक्ट या प्रदूषण का विपरीत परिणाम, और ये सब नहीं होना चाहिए। अभी ये देखिए, प्रदूषण की वजह से हमारी पृथ्वी या पर्यावरण जो है वह दूषित हो गया,
ऐसा प्रदूषित प्रदूषित पृथ्वी को देखना हम पसंद करेंगे क्या? नहीं, हमें तो अच्छी वाली पृथ्वी देखना है जिसको हम हमेशा देखना चाहते हैं, और उसको हम जैसे देखना चाहते हैं उसके लिए हमारे पृथ्वी पर पर्यावरण जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, और दूषित ना होना है तो हमें पर्यावरण संवर्धन करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण क्लीन रखना है। हम जहां भी जाते हैं वहां कचरा फेंकते हैं, जिससे तो पृथ्वी और खराब हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। हमें कहीं नदी मिला कि हम हमारे घर का कचरा जाकर हम उसमें फेंक देते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लोकल ट्रेन से जाते हैं, लोग अपने घर का कचरा लाते हैं और ट्रेन से वो खाड़ी में फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा? पानी दूषित होगा, और हमें ये नहीं होने देना है। और इन सभी विविध प्रकार के प्रदूषणों का ही विपरीत परिणाम ये सभी सजीव तथा उनके अस्तित्व पर हो रहा है, और इसी से आज पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता का निर्माण हुआ है, और इसी को हम कहते हैं पर्यावरण संवर्धन। पर्यावरण संवर्धन यानी ये जो हमने देखा है प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, इनका जो पर्यावरण पर इफेक्ट होता है, ये बहुत ही विपरीत परिणाम होता है। इनसे हमें बचाना है और बचा के अपने पर्यावरण को पर्यावरण का संवर्धन करना है। तो आज पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, और किस तरीके से पर्यावरण संवर्धन करना है ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने सबसे पहले देखा कि परिसंस्था क्या होती है। परिसंस्था यानी जैविक और अजैविक घटक एक साथ मिलकर आपस में रहते हैं, और जैविक और इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं, इसी को हम परिसंस्था कहते हैं। परिसंस्था के घटक जैविक घटक और अजैविक घटक। फिर परिसंस्था में उत्पादक से लेकर उपभोक्ता और उपभोक्ता से लेकर विघटक, ऐसे छोटे से बड़े सारे सजीव होते हैं एक परिसंस्था में, और इस परिसंस्था में प्रत्येक घटक, प्रत्येक सजीव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से पर्यावरण जो है वो संतुलित होता है। फिर हमने देखा भोजन श्रृंखला। तो भोजन श्रृंखला क्या होती है? तो भोजन श्रृंखला यानी एक सजीव को, उत्पादक को प्राथमिक भक्षक खाता है, प्राथमिक भक्षक को द्वितीय भक्षक खाता है, द्वितीय भक्षक को तृतीय भक्षक खाता है, तृतीय भक्षक को सर्वोच्च भक्षक खाता है, और उसका हो जाता है विघटक के द्वारा विघटन। ये एक क्रम से होता है, इस क्रम को ही हम भोजन श्रृंखला कहते हैं। और भोजन श्रृंखला में उपभोक्ता यानी कि भक्षक होते हैं, उनके प्रकार प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक और तृतीय भक्षक। लेकिन हमने देखा कि एक जो सजीव है वो एक ही सजीव पर निर्भर नहीं रहता है, वो कई प्रकार के सजीवों पर निर्भर होता है भोजन के लिए। और एक ही सजीव पर, एक ही सजीव ना निर्भर होते हुए एक सजीव अनेक सजीवों पर निर्भर होता है। अगर इस तरीके से हम ये कड़ी जोड़ते जाए तो इन भोजन श्रृंखला, ये जो एक भोजन श्रृंखला है ये बहुत बड़े जाल में परिवर्तित हो जाएगी, और इसी जाल को हम कहते हैं भोजन जाल। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कि अगर चावल के खेती में टिड्डे आते हैं, टिड्डों पर मेंढक निर्भर होते हैं, मेंढक पर सांप निर्भर होते हैं, और इस चेन में से अगर एक भी घटक कम होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? तो अगर हमने देखा कि मेंढक की संख्या कम हो जाती है तो टिड्डों की संख्या बढ़ेगी, और टिड्डों की संख्या की बढ़ने की वजह से धान की फसल जो है उस पर विपरीत परिणाम होगा। और उसी प्रकार अगर मेंढक कम हो गए तो सांप यानी तृतीय भक्षक कम हो जाएंगे, और उनके खाने वाले चतुर्थ या सर्वोच्च भक्षक उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो एक घटक भी अगर कम हो गया तो उसके आगे वाले सारे भक्षक जो भक्षक होते हैं उन पर उसका विपरीत परिणाम होता है। या उसी प्रकार अगर एकाध भक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या होता है? हमने देखा कि अगर मेंढक कम हो गए तो टिड्डे बढ़ गए, और टिड्डे बढ़ने की वजह से क्या हो गया? फसल बर्बाद हो गई, बराबर। यानी किसी एक भक्षक की संख्या में कमी होना ये भी नुकसानदायी होता है, और उसमें वृद्धि होना ये भी पर्यावरण के लिए नुकसानमंद होता है। उसके बाद हमने देखा भोजन श्रृंखला, भोजन में विविध पोषण स्तर और उससे निर्माण होने वाला ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड में क्या होता है? जो उत्पादक होता है वो प्रथम पोषण स्तर होता है, जो प्राथमिक भक्षक होता है वह द्वितीय पोषण स्तर होता है, जो द्वितीय भक्षक होता है वह तृतीय पोषण स्तर होता है, और तृतीय भक्षक जो होता है वह चतुर्थ पोषण स्तर होता है। और इस तरीके से उत्पादक को प्राथमिक भक्षक खाता है तो उत्पादक से ऊर्जा प्राथमिक भक्षक की ओर स्थानांतरित होती है, प्राथमिक भक्षक को द्वितीय भक्षक खाता है तो उसमें
ऊर्जा स्थानांतरित होती है, द्वितीय भक्षक को तृतीय भक्षक आता है उससे उसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती है और उससे सर्वोच्च भक्षक की ओर ऊर्जा स्थानांतरित होती है। और ये है इसी ये जिस आकृति से दर्शाया जाता है उसी को हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। फिर हमने देखा पर्यावरण, तो पर्यावरण की परिभाषा हमने सबसे पहले देखी कि सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस निवास के आसपास में जितने भी घटक होते हैं उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के चारों ओर परिसर में पाए जाने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों का इसमें समावेश किया जाता है। फिर हमने देखा पर्यावरण और परितंत्र में किस तरीके से संबंध है, उसके जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं वह एक दूसरे पर परिणाम करते हैं, और जो कि पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक होते हैं और परितंत्र के मुख्य घटक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक घटक होते हैं। इस तरीके से परितंत्र के प्रत्येक घटक या परिसंस्था जो है उसका प्रत्येक घटक ये पर्यावरण पर इफेक्ट करता है। और इस परितंत्र का पढ़ाई जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम पारिस्थितिकी, दैट इज इकोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा कि पर्यावरण में बहुत सारे चक्र है, उस चक्र से जैविक घटक अजैविक घटकों में रूपांतर, जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन अगर इस पर्यावरण में एक भी घटक में किसी कारणवश अगर कुछ कुप्रभाव पड़ता है तो उससे पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि मानव निर्मित होता है और कुछ प्राकृतिक होता है। तो मानव निर्मित घटकों की वजह से और प्राकृतिक घटकों से पर्यावरण में चेंजेस आते हैं और इस आने वाले अचानक होने वाले परिवर्तन से पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये बुरा प्रभाव ही है जिसके वजह से भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में अंतरक्रिया बाधित होती है। क्योंकि हमने देखा कि भोजन श्रृंखला और भोजन जाल जो है ये अजैविक और जैविक घटक साथ में मिलकर रहते हैं और उनसे उनका जीवन व्यापन व्यवस्थित चालू होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ विपदाएं आ गई तो इन विपदाओं की वजह से भोजन श्रृंखला और भोजन जाल में उनकी क्रिया जो होती है वह बाधित होती है, और इस बाधित होने की क्रिया की वजह से अगर सजीवों में या सजीवों को जीवन व्यापन करने में कठिनाई आती है। फिर हमने देखा कि अजैविक घटकों में अगर कुछ चेंजेस आ गया तो उसका सीधा सीधा जैविक घटकों पर इफेक्ट होता है, जिसको हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण यानी हवा, पानी या जमीन, इसमें किसी भी प्रकार से ये दूषित होती है तो इस दूषितीकरण को ही हम प्रदूषण कहते हैं। फिर कोई भी हो, हवा दूषित हो गई तो हवा का प्रदूषण, पानी दूषित हो गया तो पानी का प्रदूषण, और जमीन यानी कि मिट्टी प्रदूषित हो गई तो मिट्टी का प्रदूषण, भू प्रदूषण, इसके हमने इतने प्रकार देखे। और ये क्यों होता है, तो जनसंख्या का विस्फोट, फिर औद्योगिकरण फास्ट तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकरण, फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किए जा रहे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, यानी उनको जो भोजन चाहिए, भोजन प्राकृतिक संसाधन इनका अंधाधुंध उपयोग होगा। जनसंख्या को जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उनको रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, उसके लिए जंगल कटाई होंगी, और शहरीकरण ऐसा होगा कि अनियोजित शहरीकरण विदाउट प्लान, कि कहीं से कोई रहने, मुंबई जैसे शहरों में छोटे गांव से लोग आते हैं कमाने के लिए, कमाई अपने उद्योग धंधे के लिए, और उनको जगह नहीं मिलती तो कहीं पे भी जहां जगह मिल गई वहां पे वो स्थापित हो जाते हैं। यानी विदाउट प्लान किया गया शहरीकरण बढ़ते जाता है, इस तरीके से बड़े बड़े शहर निर्माण होते हैं और इसके वजह से ही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। और इन पर्यावरणीय प्रदूषण से हमें अपने पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को बचाना है, और इसी के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकताओं का निर्माण हुआ है। तो जितना हमने आज पढ़ा है, सो थैंक यू बच्चों कि आज हमारे घट जो हमने टॉपिक था दैट इज परिसंस्था, पर्यावरण, पर्यावरणीय संवर्धन और भोजन श्रृंखला और भोजन जाल, इतने घटक आज हमने देखे। सो इससे रिलेटेड किसी को भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना हैंड राइज कीजिए, अपना हैंड राइज कीजिए। जो भी इस टॉपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। किसी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए, मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर देगी।
किसी बच्चे को अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना हैंड राइज कीजिए, मैडम उस क्वेश्चन का आंसर देगी। हाँ सानिया पूछो बेटा, सानिया पूछो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर जल प्रदूषण गंदे पानी से ही होता है ना? हाँ बेटा, गंदा पानी यानी ही जल प्रदूषण। पानी गंदा हो गया यानी पानी दूषित हो गया यानी जल प्रदूषण। और होता किस वजह से है? तो जो पानी में कचरा डाला जाता है फिर बड़े पैमाने पर, जैसे कि कारखानों से निकलने वाला जो कचरा है वह पानी में डाला जाता है। अगल बगल में जो नदियां होती है, नदियों में वो पानी डाला, वो जो कारखानों से निकलने वाला कचरा होता है वो डाला जाता है। फिर अब हम जो रहने वाले लोग हैं, अपने घर से जो सीवेज निकलता है, गटर से जो निकलता है कचरा, वो भी पानी में समंदर में जाके कहीं तो भी छोड़ा ही जाता है, तो वो भी पानी दूषित दूषित तो ही हो गया ना। तो इस वजह से पानी जो गंदा हो जाता है उसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। अमृत पूछो बेटा, अमृत पूछो, अमृत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर पर्यावरण संसाधन मतलब? पर्यावरणीय संसाधन, संसाधन का अर्थ होता है साधन संपत्ति। और पर्यावरण में संसाधन क्या क्या है? जमीन है, यानी कि मिट्टी है, पानी है, हवा है, पृथ्वी है, ये हमारे संसाधन है। इनका हमें व्यवस्थित उपयोग करना है। और पर्यावरण संवर्धन यानी पर्यावरण को बचाना है। जिन प्रदूषण की वजह से हमारी पृथ्वी या हमारा पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण नष्ट होने जा रहा है, उसको हमें बचाना है, तो दैट इज पर्यावरण संवर्धन। ओके बच्चों, और किसी को बेटा क्वेरीज? और किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हो बेटा, अपना हैंड राइज कीजिए। किसी को क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? हाँ लव पूछो बेटा। हाँ लव, अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ बेटा। हाँ टीचर, ये अस्तित्व रखना का मतलब क्या होता है? अपना अस्तित्व बनाए रखना यानी हमें बने रहना है। अपना अस्तित्व मिटा दिया यानी मर गए। अच्छा, किसी भी सजीव को अपना अस्तित्व बनाए रखना है यानी हमें जिंदा रहना है, दैट इज अस्तित्व। मर गए तो अस्तित्व खत्म। और टीचर हेलो। हाँ टीचर, ये दीमक कैसे लगते? दीमक दीमक ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव है। अगर दीमक यानी अगर उनके कई अंडे वगैरह है आजू बाजू में परिसर में, तो उनसे जो होते वो दीमक यानी सजीव वो उसी अंडे से निर्माण होगा। अब ये कहाँ पे रहेंगे? स्पेशली जो वुड होते हैं ना, वुड लकड़ी की जो चीजें होती है उसमें लगता है, क्योंकि लकड़ी की चीज इसमें अगर थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो वो लकड़ी खराब होने लगती है, तो उसमें दीमक लग जाता है। हाँ शालू पूछो बेटा, शालू क्वेश्चन पूछो, शालू अपना क्वेश्चन पूछो बेटा, अपना माइक ऑन करो, शालू अपना माइक ऑन करो बेटा, तुमने हैंड राइज किया है, अपना क्वेश्चन पूछो, अपना माइक ऑन करो। हेलो गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर ये जो वाहनों से प्रदूषण होता है, हाँ, तो उन्हें कम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं वाहनों से। सबसे पहले तो आपने दिल्ली, हमें तो दिल्ली का भी ये लेना चाहिए कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने क्या किया, ऑड इवन वाला जो रूल लगाया है, एक दिन ऑड नंबर का यानी विषम संख्या वाला जिनके गाड़ी का नंबर है उतनी वाहने चलेंगी, एक दिवस सम जिनका गाड़ी का नंबर है उतनी वाहने चलेंगी। तो ऑड इवन नंबर से क्या हो गया, आधी वाहने ही आधे आ गए, आधे ही वाहन चलेंगे। इससे हमने वाहन कम किए ना पृथ्वी शहर में, और वाहने कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक वहां से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण कम हो जाएगा। उसके बाद सबसे बाद वहां से जो निकलने वाले पार्टिकल्स होते, ठोस पार्टिकल, वो हवा के लिए या सजीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते, तो उसको वो हवा में जाने के पहले वहां पे एक फिल्ट्रेट पट्टी रहती है, वो कंपलसरी रहता है, वो वहां पे लगाना। तो क्या होता है, वहां के जो ठोस पार्टिकल निकलेंगे ना वो धुएं से, वो ठोस पार्टिकल उस पट्टी को चिपक जाएंगे और खाली हवा जो है वो हवा में छोड़ी जाएगी, तो उससे ठोस
पार्टिकल हवा में मिश्रित नहीं होंगे, ये एक पर्याय है। दूसरा एक पर्याय है कि कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है वो प्रदूषित करता है, तो कारखानों की जो चिमनी होती है वो इतने ऊपर डालो कि जो नीचे रहने वाले सजीव है उनके ऊपर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। ओके, तो ये एक परिणाम हो गया। फिर दूसरा एक है कि हम ही नागरिक जो है हम ही अपने आप को कंट्रोल करें कि हम हवा को दूषित ना करें और कानून का पालन करें। बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, इन अधिनियमों का भी हमने व्यवस्थित पालन किया तो भी प्रदूषण बहुत मात्रा में कम किया जा सकता है। और हाँ शाकिब पूछो बेटा, शाकिब अपना क्वेश्चन पूछो। शाकिब अपना माइक ऑन करो। शाकिब अपना माइक ऑन करो बेटा। हाँ सर बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बेटा, पूछिए क्वेश्चन पूछिए। सर मैं फिलहाल अभी ज्वाइन हुआ, मुझे तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, मैं अभी ज्वाइन हुआ सर। ओहो ओके, यूट्यूब के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है जी जी। हाँ ओके जी ठीक है। और किसी को क्वेश्चन पूछना है बेटा? और किसी को क्वेश्चन पूछना है? शायद कोई नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू बच्चों एंड थैंक यू।